दोस्तों, अगर आपको केवल स्मार्टफोन से ब्लॉगिंग करना है और आपका बजट कम है तो आप इस तरह का सस्ता और चीप ट्राइपॉड खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैमरे से ब्लॉगिंग करना है या फिर मोबाइल से भी ब्लॉगिंग करना है और एक प्रीमियम क्वालिटी का मिनी ट्राइपॉड खरीदना चाहते हैं तो ये है मेरे पास उलांजी कंपनी का MT35 ब्लॉगिंग ट्राइपॉड। आज की इस वीडियो में इस ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग करेंगे, डिटेल रिव्यू देंगे, बताएंगे कि ये ट्राइपॉड का बिल्ड क्वालिटी कैसा है आपके स्मार्टफोन के साथ और कैमरे के साथ, कितना ये कंफर्टेबल है, आपके कैमरे का लोड ले सकता है कि नहीं, और इस ट्राइपॉड में कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं, सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस ट्राइपॉड को कर लेते हैं अनबॉक्स, इसके बाद बताते हैं इसके फीचर और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ऐसा है दोस्तों, कुछ कूमैन के मिनी ट्राइपॉड का बॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं। ट्राइपॉड का फोटो है, ऊपर कैमरा माउंट करके दिखाया है। बॉक्स में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है और बॉक्स की क्वालिटी भी थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, काफी चीप क्वालिटी का बॉक्स है। तो चलिए यहाँ से ओपन करते हैं, हालांकि हमने पहले ही इसे ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मिलता है हमें ये ट्राइपॉड, इसके बाद इसके बॉक्स में शायद हमें एक क्विक स्टार्ट गाइड मिले। तो ये रहा क्विक स्टार्ट गाइड, जो कि यहाँ पे अगर ओपन करते हैं आप तो इस तरह से ये सीधा होगा। ओपन करने के बाद ये लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको ट्राइपॉड को यूज़ करना है। फिलहाल देखते हैं, इस पैकेट से निकालते हैं ट्राइपॉड को, इस तरह का कुछ आपको ट्राइपॉड देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ट्राइपॉड की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी मुझे पकड़ने से तो काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, लेग्स को आप जितना चाहें उतना टिल्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको फिर से सीधा भी कर सकते हैं और इसका जो मैंने एक्सपेक्ट किया था क्वालिटी, उस हिसाब से तो ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ट्राइपॉड है। तो इस ट्राइपॉड की बिल्ड क्वालिटी से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी तगड़ा लगा। अब बात कर लेते हैं इस ट्राइपॉड के फीचर के बारे में। तो सबसे पहला जो फीचर है जो मुझे काफ़ी पसंद आया कि इसमें आपको इस तरह का जो मोबाइल होल्डर होता है, इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप मोबाइल भी लगा सकते हैं और कैमरा भी अपना माउंट कर सकते हैं। वो कैसे करना है, यहां से देखिए, इसे आप थोड़ा सा खींचेंगे, इसके बाद ये निकल जाएगा। यहां से आप इसे ऊपर उठाएंगे तो यहां पे कोई भी स्मार्टफोन आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस तरह से आप स्मार्टफोन लगा सकते हैं और ऐसे ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं आप। और अगर आपको कैमरा लगाना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां से बस इसे नीचे करना है और इसको थोड़ा सा इस तरह से खींच के इस वाले सेक्शन में अंदर डाल देना है और यहां पे आप जो चाहें कैमरा माउंट कर सकते हैं। और इस ट्राइपॉड में बबल इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, जिससे कि आप मान लीजिए इस तरह से अगर ट्राइपॉड को माउंट किए हैं तो यहां से ढीला करके इसे आप देख सकते हैं कि आपका जो कैमरा का लेवलिंग है वो सीधा है या नहीं इस बबल इंडिकेटर के सहारे। तो चलिए अब देख लेते हैं इस ट्राइपॉड में मोबाइल माउंट करके कि मोबाइल का लोड ये ले पाता है कि नहीं। तो यहां पे देख सकते हैं कि हमने मोबाइल को माउंट कर लिया है और माउंट करने के बाद ये काफी स्टेबल है। मोबाइल का माउंट तो बहुत ही आसानी से ये लोड ले रहा है और सिंगल लेग्स को पकड़ के हिलाएं तो सिंगल लेग्स का भी स्टेबिलिटी काफी तगड़ा है। बिल्ड क्वालिटी तो मोबाइल के साथ इसका प्रॉपर है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं तो। अब चलिए देख लेते हैं इस ट्राइपॉड पे कैमरा माउंट करके कि जो कैमरे का वेट है 800 से 900 ग्राम के आसपास जो वेट होता है वो ये ट्राइपॉड हैंडल कर पाता है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस ट्राइपॉड पे अपने कैमरे को माउंट कर लिया है। माउंट करने के बाद दोस्तों अगर इसकी स्टेबिलिटी चेक की जाए तो यहाँ पे मैं इस तरह से पकड़ के रखा हूँ तो इसका लेग टेढ़ा नहीं हो रहा है और इस तरह से अगर हिलाऊं भी तो भी इसका लेग्स टेढ़ा नहीं हो रहा है। और अगर इस ट्राइपॉड के सिंगल लेग्स की स्टेबिलिटी चेक की जाए तो मैं अगर सिंगल लेग्स यहाँ पे पकड़ता हूँ तो ये आसानी से टेढ़ा हो जाता है। सिंगल लेग्स जो इसका है वो कैमरे का लोड नहीं ले पाता है, तो सिंगल लेग्स मैं पकड़ता हूँ तो ये आसानी से टेढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर तीनों लेग्स मैं साथ में पकड़ लेता हूँ तो हिलाता भी हूँ तो भी इसका लेग्स टेढ़ा नहीं होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ट्राइपॉड का लेग्स का बिल्ड क्वालिटी कैसा है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि इस ट्राइपॉड का ये जो बॉल हेड है वो कैमरे का लोड अच्छे से नहीं ले पाएगा, आपको अगर डर लगता है तो आप इसके बॉल हेड को यहाँ घुमा के निकाल भी सकते हैं और निकालने के बाद डायरेक्ट इस माउंट में अपने कैमरे को माउंट कर सकते हैं और डायरेक्ट इस तरह से ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। यहां पे अगर आप लगा देते हैं तो और भी ज्यादा आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगा। इस लेग्स के साथ अगर ये बॉल हेड लगा के इसमें आप अगर कैमरा माउंट कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि कैमरा आपका स्टेबल नहीं रहेगा। मैंने अभी आपको दिखाया कैमरे को स्टेबल करके, लेकिन अगर आपको फिर भी डर लगता है तो आप इससे निकाल भी सकते हैं इस बॉल हेड को और डायरेक्ट इस पे माउंट कर सकते हैं अपने कैमरे को। इस ट्राइपॉड में अगर आप एक्सटर्नल माइक और एक्सटर्नल लाइट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक होट शू माउंट देखने मिलता है जहाँ पे आप अपने एक्सटर्नल लाइट और माइक को स्टेबल कर सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं। और अगर आप कैमरे से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और एक्सटर्नल माइक और लाइट लगाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए एक होट शू माउंट दिया है। इस टाइप का आपको एक माउंट खरीदना पड़ेगा, इस टाइप का माउंट खरीदना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लगा देना होगा। इसके बाद इस तरह का आपको 100-150 रुपए का मार्केट में बॉल हेड मिल जाएगा जिसको कि आप यहाँ पे माउंट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल माइक और लाइट लगा सकते हैं और यहाँ पे अपने कैमरे को स्टेबल कर सकते हैं। गाइस, अगर इस ट्राइपॉड की प्राइसिंग की बात करें तो मुझे ये फ्लिपकार्ट से 1229 रुपए में देखने को मिला है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहां से मेरे लिंक से अगर आप खरीदते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड कैशबैक भी देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।